बच्चों, आपने अभी ये देखा कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। इसे आपने समानांतर चतुर्भुज के गुण के रूप में देखा। क्या ये गुण किसी समानांतर चतुर्भुज के लिए एक जरूरी शर्त हो सकती है? यानी यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का प्रत्येक जोड़ा बराबर हो, तब वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। ये बात भी संभव है क्या? इसे हम एक प्रमेय के रूप में देखते हैं और सिद्ध करके देखते हैं कि किसी एक चतुर्भुज में यदि आमने सामने के कोणों के दोनों जोड़े आपस में बराबर हैं, यानी कोण ए कोण सी के बराबर है, ये एक जोड़ा हुआ, और दूसरे जोड़े में कोण बी और कोण डी ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यदि प्रत्येक जोड़ा बराबर है तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। ये यदि हम सिद्ध कर सकें तो हमें एक नई प्रॉपर्टी, एक नया गुण मिल जाएगा चतुर्भुज के बारे में, समानांतर चतुर्भुज होने की शर्तों के संबंध में। तो आइए देखते हैं, हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, और उसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि ए बी समानांतर डी सी के और ए डी समानांतर बी सी के। ए डी समानांतर बी सी, आप देखिए ए बी और डी सी समानांतर है, ए डी और बी सी समानांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें दिया हुआ है कि इसके सम्मुख कोणों के दोनों जोड़े बराबर हैं, यानी हमें यह दिया है, चित्र के संदर्भ में हम कहें तो कोण ए कोण सी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी कोण डी के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण डी की, ये बातें हमें दी हुई हैं। अब इन सूचनाओं के आधार पर, इन जानकारियों के आधार पर हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए हम चतुर्भुज के उस गुण का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने यह पाया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसके आधार पर हम लिखें कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। इस गुण का हम उपयोग करेंगे। और आप देखिए यदि कोण ए कोण सी के बराबर है तो हम कोण सी की जगह पर कोण ए लिख सकते हैं, और कोण बी कोण डी के बराबर है तो हम कोण डी की जगह कोण बी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें मिलेगा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी की जगह हम लिखेंगे कोण ए धन कोण डी की जगह हम लिखेंगे कोण बी, ये बराबर हुआ 360 अंश। अब आप देखिए कोण ए धन कोण ए माने दो कोण ए धन कोण बी और कोण बी, दो कोण बी बराबर 360 अंश। आप इन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं दो कोण ए धन कोण बी बराबर 360 अंश, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा। देखें कैसे कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं, और कोण ए और कोण बी यदि आपस में बराबर हैं तो उस स्थिति में आप यदि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, रचना हम थोड़ी सी करें और इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं तो हमें देखिए क्या मिलता है। रेखाखंड ए बी को हम आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इस नए पॉइंट का नाम ई रख दें, मान लीजिए हमने इसे आगे बढ़ाया और ई तक जाने दिया। ए बी ई एक सरल रेखा है, और इस सरल रेखा में आप जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी यानी कोण बी जिसे हम कह रहे थे, वो कोण बी और ये वाला कोण सी बी ई,
इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। तो आप लिख सकते हैं कोण बी धन कोण सी बी ई, ये बाहर का कोण, सी बी ई बराबर 180 अंश। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, और यहाँ आपको मिल रहा है कोण बी धन कोण सी बी ई बराबर 180 अंश, यानी ये जो बायां पक्ष है वो इस बायां पक्ष के बराबर होगा। यदि आप इन दोनों को एक साथ कर दें तो आपको मिलेगा, यहाँ से उठाएं हम, कोण ए धन कोण बी बराबर, इसको ले लें कोण बी धन कोण सी बी ई, कोण भी दोनों जगहों पर है तो यहाँ से आपको परिणाम मिल जाएगा कोण ए बराबर कोण सी बी ई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है जिसको आप देखिए, यहाँ देखिए आप पा रहे हैं कि ये जो कोण ए है वो इस बहिष्कोण सी बी ई के बराबर है, और आप देख रहे हैं कि अगर हम डी ए और सी बी को समानांतर रेखा माने, या इसे आप ए डी या बी सी भी कह सकते हैं, ये समानांतर रेखा है और ए ई तिर्यक रेखा है, और ये दोनों कोण तब संगति कोण कहलाएंगे, और संगति कोण बराबर होंगे, संगति कोण यदि इसको हम मानते हैं जो स्थितियां बन रही उसके आधार पर, तो संगति कोण बराबर होंगे, यानी ए डी और बी सी को आप समानांतर कह सकते हैं। इसका अर्थ हुआ इसलिए ए डी समानांतर बी सी। देखिए एक परिणाम हमें ये मिला था, दूसरा परिणाम हमें ये मिला, और इन दोनों परिणामों के आधार पर आप इस परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि ए डी समानांतर बी सी है। तो ए डी समानांतर बी सी है, जिस तरह से आपने यहाँ पर प्रूफ किया ये दोनों समानांतर हैं, ठीक उसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी और डी सी भी समानांतर हैं। और आप देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज में आमने सामने के दोनों जोड़े भुजाओं के एक दूसरे के समानांतर हैं, ये वाली भुजा इसके समानांतर है, और ठीक इसी तरह से ये वाली भुजा इसके समानांतर भी आप समान सिद्ध करेंगे। तो इस आधार पर आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े दोनों युग्म समानांतर हैं, और ये आप जानते हैं ये समानांतर चतुर्भुज होने की शर्त है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं, एक कथन और भी लिख लें आप, अभी आपने ए डी और बी सी के लिए लिखा वैसे ही आप लिख सकते हैं ए बी समानांतर डी सी, और इन दोनों कथनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए इसके पहले वाले प्रमेय में आपने प्रूफ किया था कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों के दोनों युग्म बराबर होते हैं, और अभी आपने किया यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों के युग्म बराबर हों, दोनों युग्म बराबर हों, तब वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। अभी तक के प्राप्त परिणामों को यदि आप एक साथ देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े यदि समानांतर हों तब वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। एक परिणाम आपने और पाया, यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े या दोनों युग्म आपस में बराबर होंगे तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। और एक परिणाम आपको और मिला, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों के दोनों युग्म आपस में बराबर हैं तब भी वो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा।